मेरे लाइफ में एक फेज था जब मैं रोज सुबह उठ के सोचता था आज का दिन पक्का मैं बहुत प्रोडक्टिवली यूज करूंगा, और फिर ये जोक सुन के मैं और मेरा दिमाग दोनों एक साथ मिलके खूब हंसते थे और उसके बाद फिर आराम से हम दोनों सो जाते थे। इस प्रॉब्लम से निकलने में मुझे डेविड एलन की बुक गेटिंग थिंग्स डन से बहुत मदद मिला था। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो इसका सलूशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों की दिमाग हार्ड डिस्क की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर रैम की तरह इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जिसमें अगर एक साथ ज्यादा एप्लीकेशन खोल दिया जाए तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। सुबह उठते ही हम लोग अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में 10-12 एप्लीकेशन खोल लेते हैं। आज क्या पढ़ना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, फेसबुक पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे किसको क्या कहना है, मतलब एंडलेस। एज ए रिजल्ट ओवरलोड होने की वजह से दिमाग हैंग होना शुरू होने लगता है और एट द एंड कोई भी एप्लीकेशन एफिशिएंटली प्रोसेसिंग नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने दिमाग में एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम, या शॉर्ट में GTD सिस्टम। ये सिस्टम 5 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप है कलेक्शन। सुबह उठते ही आपको एक बड़ा सा डब्बा लेना है और दिमाग में से सारे कचरे निकाल के उस डब्बे में डालना है। ये कचरे का डब्बा फिजिकल जैसे कि कोई नोटबुक, या डिजिटल जैसे आपका स्मार्टफोन, कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट के लिए कहीं पर भी आराम से बैठ के जो जो चीज दिमाग में आ रहा है, जिन टास्क को आज या हो सकता है किसी दूसरे एग्जैक्ट डेट पे आपको कंप्लीट करना है, उन सबको एक के बाद एक रैंडमली लिखते जाना है, ताकि ये जान के आपको थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड मिले कि जो जो काम करना है वो सारे आपने अपने दिमाग से बाहर एक जगह पे लिख लिया है। अब एक भी मिस होने का कोई चांस नहीं। सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग। अब उस लिस्ट में हर एक आइटम के बगल में आपको लिखना है एक सजेस्टिंग सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइटम नंबर 4 एक्सरसाइज करना है, सोल्यूशन सुबह फ्रेश होने के बाद 10 पुशअप एंड 10 सिटअप। या फिर आइटम नंबर 2 GF को हैप्पी बर्थडे विश करना है, सोल्यूशन उस डेट पे जाके मोबाइल पे रिमाइंडर सेट करना है। ऐसे आपको पूरी लिस्ट की प्रोसेसिंग कंप्लीट करना है। इस सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइज। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उस हिसाब से इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ गया फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज, नंबर 2 XYZ बुक की ABC चैप्टर कंप्लीट करना, नंबर 3 UVW फ्रेंड को कॉल करना, एक्सेट्रा। अब आप इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे दिन एक के बाद एक काम खत्म करते जाओगे। इस स्टेप को कंप्लीट करने में आपको शायद और 5 मिनट लगेगा। फोर्थ स्टेप है रिव्यू, मतलब लास्ट टाइम एक बार पूरा लिस्ट चेक कर लेना कि अगर कोई कचरा टास्क छूट गया हो तो, या अगर कोई बेटर सोल्यूशन पॉसिबल है तो वो लास्ट एक बार कन्फर्म कर लेना, ताकि दिमाग में खिचड़ पिचड़ पूरी तरह से बंद हो जाए। इस स्टेप को कंप्लीट करने में आपको शायद और 5 मिनट लगेगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है डू इट। मेरे साथ ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैंने सुबह उठ के पूरा लिस्ट बनाया, उसके बाद सोचा एक बार फेसबुक के नोटिफिकेशंस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद पूरे दिन लिस्ट के मुताबिक चलूंगा। वो जो मैं फेसबुक पे गया अगले एक घंटे तक वही घूमता रहा, और उसके बाद ये लिस्ट वगैरह सब भूल के एज यूजुअल अनयूजुअल काम करने लग गया। तो सुनने में ये लास्ट स्टेप जितना अनइम्पॉर्टेंट है, असल में ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको लिस्ट खत्म करते ही उसी वक्त उसको फॉलो करना शुरू करना है, नहीं तो शक्तिमान की किलबिश की तरह आपकी जिंदगी में भी अंधेरा कायम रहे, यह बद्दुआ हमेशा कायम रहेगा। अब इस पूरे वीडियो का अगर समअप किया जाए तो बात यह बनती है, GTD सिस्टम को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले सारे कचरे को दिमाग से निकाल के कहीं एक जगह पर लिख लेना, सेकेंड उस लिस्ट की प्रोसेसिंग करना मतलब सजेस्टिंग सोल्यूशन लिखना, थर्ड नेक्स्ट एक्शन के मुताबिक ऑर्गेनाइज करना, फोर्थ लिस्ट बिल्कुल परफेक्ट है ये श्योर होने के लिए एक बार रिव्यू कर लेना, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप उसको फॉलो करना। GTD सिस्टम को तैयार करने में आपको टोटल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन इस 30 मिनट की मेहनत आपसे वो काम करवा सकती है जो शायद आप 30 दिन बीत जाने पर भी नहीं कर पाते। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मेरे कहने पर बस 2 दिन के लिए एक बार ट्रायल लेके देखिए, मुझे पूरा यकीन है 2 दिन के अंदर आप खुद ही जान जाओगे ये सिस्टम कितना हेल्पफुल है। आप कहोगे मैं तो सुबह 9 बजे उठता हूँ, फिर जल्दी जल्दी में मुझे ऑफिस या कॉलेज जाना पड़ता है, और तब ये 30 मिनट निकल पाना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है, आप रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट तैयार कर सकते हो। जो भी हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात हमेशा याद रखना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और अगर हो सके तो इस बात को किसी पेपर पे लिख के अपने घर की किसी दीवार पे लगा लेना, ताकि ये बात आपको हमेशा GTD सिस्टम की इंपॉर्टेंस याद दिलाती रहे। आखिर में अगर आपको इस वीडियो से अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, यही मेरी असली मकसद है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता शायद उन्हें भी इससे सलूशन ढूंढने में थोड़ी सी मदद मिल जाए।
अगला वीडियो अगले हफ्ते, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।